नमस्कार, आप बिहार इन शॉर्ट्स देख रहे हैं। मैं हूं परमवीर सिंह। पटना में 12 जून को विपक्षी दलों की बैठक होने जा रही है। नीतीश कुमार इसकी अध्यक्षता करेंगे, लेकिन उससे पहले बिहार में विपक्षी एकता में दरार देखने को मिल रही है। आज तेजस्वी यादव ने कन्हैया कुमार के साथ मंच साझा करने से इनकार कर दिया है। इस वक्त की यह बड़ी खबर है। पटना में एक कार्यक्रम था जिसमें बिहार के डिप्टी सीएम और राजद नेता तेजस्वी यादव को मुख्य अतिथि बनाया गया था, उन्हें निमंत्रण भेजा गया था, लेकिन तेजस्वी यादव इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए हैं। वजह है कांग्रेस के कन्हैया कुमार। कन्हैया कुमार इस कार्यक्रम में पहुंचे हुए थे तो कहा जा रहा है कि कन्हैया कुमार के साथ तेजस्वी यादव जो है मंच साझा नहीं करना चाहते थे, इस वजह से उन्होंने इस कार्यक्रम में शिरकत नहीं लिया है। पटना में आज कुम्हार प्रजापति समन्वयक समिति के कार्यक्रम में कन्हैया कुमार और तेजस्वी यादव दोनों को आमंत्रित किया गया था। कन्हैया तो कार्यक्रम में पहुंचे, लेकिन तेजस्वी यादव ने इससे दूरी बना ली है। तेजस्वी यादव जो हैं इस कार्यक्रम में नहीं पहुंचे हैं। आपको बता दें कि कन्हैया कुमार जो हैं कांग्रेस के नेता हैं, अच्छे वक्ता माने जाते हैं, लेकिन आखिर तेजस्वी यादव ने कन्हैया कुमार से क्यों दूरी बनाई है? आखिर कन्हैया कुमार के साथ तेजस्वी यादव ने मंच क्यों नहीं साझा किया है? तो इसके पीछे भी बड़ी वजह है। वजह है कि कन्हैया कुमार और तेजस्वी यादव को अभी तक एक साथ नहीं देखा गया है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बेगूसराय से सीपीआई के टिकट पर कन्हैया कुमार लड़ रहे थे। तब तमाम सेकुलर दल, सेकुलर जो लोग थे, उन्होंने तेजस्वी यादव से आग्रह किया था कि राजद वहाँ से अपना उम्मीदवार नहीं दे। इसके बावजूद तेजस्वी यादव ने बेगूसराय लोकसभा सीट से राजद का उम्मीदवार उतार दिया। वजह यह हुआ कि कन्हैया कुमार वहां से चुनाव हार गए। कहा जाता है कि लालू प्रसाद यादव नहीं चाहते कि कन्हैया कुमार बिहार में एक्टिव हो, और कांग्रेस भी जो है कहीं ना कहीं कन्हैया कुमार को बिहार से दूर रख रही है। और लेकिन अब कन्हैया कुमार आज पटना पहुंचे हैं, एक कार्यक्रम में वो शामिल हुए, तो वहाँ पर तेजस्वी यादव नहीं पहुँचे। तो वजह आप समझ सकते हैं कि आखिर दूरी की वजह क्या है। दरअसल कन्हैया कुमार जो हैं ऐसे वक्ता हैं कि जब बोलते हैं तो लोग सुनने को मजबूर हो जाते हैं। इसके साथ ही लालू प्रसाद यादव का मानना है कि अगर कन्हैया कुमार बिहार में राजनीति करते हैं तो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव कमज़ोर हो जाएंगे, क्योंकि कन्हैया कुमार भी युवा है, तेजस्वी यादव भी युवा हैं, और दोनों युवा हैं। और कहीं ना कहीं अगर आप आकलन कीजिएगा, एक तरफ तेजस्वी यादव अगर भाषण दे रहे हों, एक तरफ कन्हैया कुमार भाषण दे रहे हों, तो लोग कहीं ना कहीं कन्हैया कुमार की तरफ ज़्यादा खींचे चले जाते हैं। तो इसकी वजह बताई जा रही है कि लालू प्रसाद यादव नहीं चाहते थे कि तेजस्वी यादव इस कार्यक्रम में शिरकत करें और कन्हैया कुमार के साथ मंच साझा करें। तो कहीं ना कहीं यह विपक्षी एकता के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि 12 जून को पटना में नीतीश कुमार की अध्यक्षता में एक बड़ी बैठक होने जा रही है। बताया जा रहा है कि करीब 18 विपक्षी दलों के नेता इस बैठक में शामिल होंगे, कांग्रेस के भी नेता आएंगे। तो ऐसे में कन्हैया कुमार से तेजस्वी यादव की दूरी जो है वो ठीक नहीं है। बहरहाल अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो फेसबुक पर देखते हैं तो हमारे पेज को भी लाइक कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।